हेलो फूडीज, वेलकम टू फूड हब। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शेज़वान ब्रेड रोल्स। ये हम बनाएंगे बहुत ईजी तरीके से। नॉर्मल जो ब्रेड रोल्स होते हैं उससे बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करें। 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 कप ऑनियन चॉप किया हुआ, 3 अनियन या स्प्रिंग अनियन 1/2 कप, इसके हमने 22 जरा करके ऐड किया है। यहाँ हमने 1 कप गाजर लिया है, इसको स्ट्रिप्स में काटा है इस तरह से लंबा, इसे भी ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम स्टर करेंगे। फ्लेम को हाई रख के हमें कुक करना है। चाइनीज कुकिंग में हमेशा फ्लेम हमेशा हाई रहता है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप बीन्स, इसे भी हमने डायगोनल काटा है इस तरह से। अब इस तरह से काट के इसमें ऐड कर दें। एक बार वेजेस थोड़ा सिक जाए, 2-3 मिनट हमने यहाँ पे कुक कर लिया है इसे। इसमें हम डालेंगे 1 कप कैप्सिकम बेल पेपर, इसे भी हमने स्ट्राइप्स में काट रखा है, इसे भी ऐड कर देंगे। कैप्सिकम बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा लेट से डाल रहे हैं। इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और हम अपने नूडल्स में भी ऊपर से डालेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप डालें, से इसके अनुसार ही डालना है इसमें। 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। एक बार सब्जी सब अच्छे से कुक हो गया, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शेज़वान सॉस। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं ये होममेड है। इसमें डालेंगे चिली सॉस, रेड चिली सॉस है ये, करीबन ये 2 टीस्पून है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। इसे विनेगर 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। क्या इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम बॉईल किया हुआ एंड ठंडा किया हुआ नूडल्स, इन सबको मिक्स करेंगे। एज हमारे नूडल्स में भी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें भी हम थोड़ा नमक डालेंगे। इस तरह से ऐड करने से जो नूडल्स है फीका नहीं लगता है, काफी फ्लेवरफुल लगता है। इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून टमाटो केचप, 1/2 टीस्पून हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। एक नूडल्स बन के रेडी हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन, और इसे हम मिला देंगे। नूडल्स थोड़े ठंडे हो जाए, इसे हम मैशर से थोड़ा मैश कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल लंबे लंबे नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा मैश कर ले रहे हैं, ज्यादा नहीं करना है हमें, थोड़ा करना है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा असेंबल हो गया, ये हमारा मोटिव था हल्का मैश करने का। इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। यहाँ स्टफिंग हमारी रेडी है, और यहाँ मैंने कुछ स्लाइसेस ब्रेड के लिए है। इस रेसिपी के लिए आप व्हाइट ब्रेड ही यूज करें,
ये अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी। इस एक प्लेट में हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी की जगह आप थोड़ा दूध भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। इन ब्रेड के हम इस किनारे को और इस किनारे को हम निकाल देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस रेडी हैं, किनारे हटाकर हमने चारों तरफ का नहीं हटाया, सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को हटाया है जो ज्यादा हार्ड होता है। इसे हम फिंगाएंगे दोनों तरफ से और जो एक्सेस है उसे हम निकाल देंगे या निचोड़ देंगे। अगर पानी रहेगा तो इसमें तेल भर जाएगा, तो हमें तेल बिल्कुल रखना नहीं है इसमें, तो बिल्कुल हम इसका पानी इस तरह से निकाल देंगे। इसे हम स्टफिंग लेंगे इस तरह से, जितना आपको लगे आप इसमें भर सकते हैं उतना भर दें। भर के हमें चारों तरफ से इसका एंड को मिलाते हुए इसका हमें ओवल शेप देना है। एंड जब इसको हम जब रोल बनाएंगे तो इसमें से भी काफी पानी निकलेगा, आप देख सकते हैं निकल रहा है। दबाते हुए इस चारों तरफ से हम इसका एक रोल बना लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि रोल को आप हाथों हाथ बना के कढ़ाई में बिल्कुल ना डालें, ये बहुत सॉगी हो जाएगा एंड बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होगा और तेल बहुत एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे बना के आप सिर्फ से एक बार रखते जाए पहले, जब आपके सारे रेडी हो जाए उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। इसे सब निकाल लिया, यहां कुछ हम स्टफिंग लेंगे अराउंड, ये 1 टेबल स्पून जाता है करीबन ये स्टफिंग इसके अंदर में, और इसके अंदर हम इसे पैक कर लेंगे। चौथा से पैक हो गया। इसी तरह से हम अपने सारे रोल्स बना लेंगे। यहाँ रोल्स बन के रेडी हो गए हैं। इन रोल को आप रात को ही बना के रख सकते हैं फ्रिज में एंड सुबह इसे फ्राई कर सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है नाश्ता बनाना भी। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। हमारे रोल्स रेडी है, हमने कढ़ाई चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए, तलने के लिए, फ्राई करने के लिए, एंड तेल काफी गर्म है। इसमें आप देख रहे हैं हर जगह बबल्स आ रहे हैं। अब हम लेंगे कि अपने रोल्स को, इसको हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे फिर से एक बार दोबारा, एंड इसमें हम एक करके इसमें डाल देंगे। इसे फ्राई करते वक्त अभी हमें इसे टच नहीं करना है, एक बार फ्राई हो जाए थोड़ा सा इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। इस तरह से हम चार ही डालेंगे इसमें, चार एक बार लगे थोड़ा सा ये लाल हो गया है, इसे हम पलटेंगे। इसे हम पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेकेंगे और इसमें फ्राई कर लेंगे। आज हमारी जो फ्लेम रहेगी हाई पे रहेगा, हाई पे ये फ्राई होगा, और एक बार लगे आपको थोड़ा फ्राई हो गया है चारों तरफ से, तब इसके बाद में हम इसे मीडियम कर सकते हैं। लो तो बिल्कुल नहीं करना है, लो करने से इसमें तेल आ जाएगा बिल्कुल एंड वो सॉगी हो जाएगा, बहुत ऑयली हो जाएगा। इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। एक बार इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इन रोल्स को आप कट करके भी सर्व कर सकते हैं या आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा कट करूंगी। आप सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी है। एंड ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म सर्व करें। ये आप स्टार्टर में या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।